औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू किचन विद अना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले वाला कीमा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है कीमा 1/2 kg, प्याज ब्रिक स्लाइसिस में कटे हुए 5 अदद, ग्रीन चिली 7 से 8 अदद ब्रिक स्लाइसिस में कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, दादर मिर्च 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, टमाटर 4 अदद ब्रिक स्लाइसेस में कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे, साथ हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज ब्रिक स्लाइसेस में कटी हुई। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ब्रिक स्लाइसेस में कटे हुए 4 अदद टमाटर शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च 8 अदद ब्रिक स्लाइसेस में कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, दादर मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने इसे भून लिया है, आइए अब इसमें कीमा शामिल करते हैं 1/2 kg। हमने ब्रिक मशीन का कीमा लिया है, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको डांप देंगे और इसे लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आइए अब इसे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे भून लेंगे। हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आइए अब इसे सर्व करते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार खड़े मसाले वाला कीमा रेडी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे घर वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। हम इसके ऊपर धनिया और अदरक के स्लाइसेस की गार्निशिंग कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज कीमा रेडी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।